तो बात करते हैं हम आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। हेडिंग डलेगा आईयूपीएसी नेमिंग, नेमिंग ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ये हमारे लिए आ गया आईयूपीएसी। इसको हम पढ़ेंगे यहां पर आरएस नेमिंग के नाम से। तो आरएस नेमिंग मुझे कहा गया कि आप आईयूपीएसी नेमिंग करना है और कोई कंपाउंड की आरएस नेमिंग करनी है, आप आरएस नेमिंग करिए। तो दो तरह से मैंने आरएस नेमिंग करी, पहला है तो आईयूपीएसी नेमिंग, तो आईयूपीएसी मेथड यूज करा, और दूसरा एसएल मेथड, सुनील लखोटिया मेथड, ठीक है ना। तो आपको कौन सा मेथड यूज करना है? एसएल, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन सा मेथड जो इजी है वो पहले पढ़ना चाहोगे, जो जो टफ है वो पहले, जो टफ है वो पहले पढ़ लो, नहीं तो इजी पढ़ने के बाद कोई नहीं पढ़ता टफ। तो सबसे पहले लिख लीजिए फर्स्ट मेथड आईयूपीएसी मेथड, इसका नाम ही आईयूपीएसी मेथड है, फर्स्ट मेथड का, ठीक है। तो ये क्या कहता है, आरएस नेमिंग के लिए सबसे पहले आप सॉलिड डैश यानी वैज डैश फॉर्मूला बनाओ। बताओ वैज डैश फॉर्मूला बना के, यानी कि हर चीज वैज डैश बना के, यानी फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट क्या रहती है स्टेप, फर्स्ट कंपाउंड कन्वर्ट इन वैज डैश फॉर्मूला, सुनते जाओ वैज डैश फॉर्मूला बनाओ। स्टेप सेकेंड इसकी जो स्टेप्स हैं वो हम समझ रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में तो इसने कहा कंपाउंड कन्वर्ट इन वेज डैश, और सेकेंड पॉइंट बोला कि जो हमारे लिए फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है, यानी कि प्रायोरिटी ग्रुप डिसाइड करना हमें सीआईपी यूज, सीआईपी यानी कि कैन इन गोल्ड प्रीलॉन्ग रूल, तीनों ने मिलके जो सीआईपी रूल बताया था उससे प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करो। तो क्या हमें बोलना पड़ेगा, मार्किंग मार्किंग करनी है ऑफ ऑल ग्रुप्स, ऑफ ऑल अटैच्ड ग्रुप, अटैच्ड ग्रुप ऑफ कायरल कार्बन, ऑफ ऑल अटैच्ड ग्रुप ऑफ कायरल कार्बन बाय मार्किंग करनी है, और मार्किंग का मतलब प्रायोरिटी ऑफ मार्किंग, प्रायोरिटी मार्किंग का मतलब प्रायोरिटी ऑफ ऑल अटैच ग्रुप ऑफ कायरल कार्बन बाय सीआईपी रूल। आपको सीआईपी रूल अच्छे से मालूम है, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है डायरेक्ट अटैच एटम का वो सीआईपी रूल में ज्यादा प्रायोरिटी पे होता है, ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा होता है, फिर डबल बॉन्ड आता है, फिर सिंगल बॉन्ड आता है। ये सब चीजें अपन ने कर चुके हैं सीआईपी रूल को बहुत अच्छे डेप्थ में। तो आपने मार्किंग कर ली। स्टेप थर्ड, आपके पास कायरल पे कितने ग्रुप होंगे, चार, तो जो चार चार ग्रुप होंगे उसमें सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी का होगा फोर्थ ग्रुप, उसको पीछे होना जरूरी है, यानी कि लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ग्रुप शुड बी प्रेजेंट इन बैक साइड, बैक साइड का मतलब पीछे की तरफ का मतलब इनसाइड ऑफ द प्लेन, इनसाइड ऑफ प्लेन, इनसाइड ऑफ प्लेन का मतलब डॉटेड लाइन या डैश लाइन। उसके बाद स्टेप फोर, इसके बाद ये देखना है रिमाइंडर थ्री ग्रुप्स, रिमाइंडर थ्री ग्रुप जो भी आपके पास है
रिमाइंडर थ्री ग्रुप्स आपको देखना है, आर प्रेजेंट इन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज सीक्वेंस, क्लॉकवाइज सीक्वेंस यानी कि आपको फर्स्ट से लेकर लास्ट की तरफ जाना है, यानी क्लॉकवाइज फर्स्ट, फिर सेकंड पे जाना है, फिर थर्ड पे जाना है, ये आपकी पोजीशन रहेगी। इस प्रेजेंट इन क्लॉकवाइज सीक्वेंस यानी 1 2 3 आपको क्लॉकवाइज दिखे, 1 2 3 आपको कैसा दिखे, क्लॉकवाइज प्रेजेंट, देन इट्स नेमिंग इज आर, तो इसकी नेमिंग कैपिटल आर होगी। अदरवाइज अगर एंटी क्लॉकवाइज दिया तो क्या दे बोलेंगे, एस, अदरवाइज इट्स कॉल्ड एस, एस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। आप खुद भी सोच सकते हैं कि जब भी एस बनाएंगे आपका हाथ कैसा चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज, देखा है कभी एस एंटी क्लॉकवाइज बनता है और आर क्लॉकवाइज बनता है, कभी भी आर बनाओगे आपका हाथ क्लॉकवाइज चलेगा और एस बनाओगे एंटी क्लॉकवाइज, इज दैट क्लियर। तो एस बनाते वक्त देखना हाथ कैसा चलता है, एंटी क्लॉकवाइज, और आर बनाते वक्त क्लॉकवाइज। तो चलिए ये तो एक बेसिक सी नॉलेज हुई जो आपके पास होना, इसलिए हमने आर को क्लॉकवाइज और एस को एंटी क्लॉकवाइज दिया। तो मैं आपके साथ हूं, देखिए यहां फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है, मान लीजिए सबसे कम प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा होता है जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम हो, 1 मान लिया, एच मान लिया, और यहां ले लिया कुछ भी सी एच ओ ओ एच और फ्लोरीन। तो आप मुझे बताएं सबसे कम एटॉमिक वेट किसका है, कार्बन का डायरेक्ट एटम, तो ये क्या हो गया इसकी पोजिशन, और सबसे ज्यादा किसका होगा, फ्लोरीन, नंबर 1 2 3। तो जब आप 1 2 3 को देखेंगे, ये गलत है, 1 3 2, आप कैसे जाएंगे, इस तरह से जाएंगे 1 2 3, तो आपका हाथ कैसा चल रहा है जल्दी से बोलो, तो आंसर क्या होगा इसका, एस। ये ध्यान रखना कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप पीछे की तरफ हो और आंसर ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि एस, तो ये आंसर एस होगा। और अगर ये नहीं है फोर्थ पे, फोर्थ पीछे नहीं है, तो आप रोटेशन रूल अप्लाई करेंगे और इसको पीछे भेजेंगे, तो आपको क्या लग रहा है, ये लेंथी और वेरी लेंथी, वेरी लेंथी मेथड। तो मेरे को ऐसे मेथड अच्छे नहीं लगते जो बहुत लेंथी हो, लेकिन पढ़ना जरूरी है क्योंकि आईयूपीएससी ने कहा है। तो आपने ये सीक्वेंस रूल पढ़ लिया, आईयूपीएससी नेमिंग कर लें, आरएस नेमिंग अच्छे समझ में आया। तो अगर नहीं है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आपको लग जाए कि ये वास्तव में लेंथी मेथड है, इसको हमें यूज नहीं करना है। कैसे करेंगे, मान लीजिए आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है एच ओ एच सी एच थ्री और ये फ्लोरीन ले लो, ओ एच कहां आ गया आपके ऊपर, पक्का ना, आपको कहां भेजना था, पीछे, तो अब आप इसको पीछे भेजोगे तो ये पेयर चेंज करोगे या नहीं करोगे, तो फिर क्या करो आप, एक पेयर चेंज करोगे दिक्कत होगी, तो दो पेयर चेंज करो हमेशा, ऐसा मैंने आपको पहले ही बोला है। तब आपका आंसर क्या होगा, वही बना लो जल्दी से, एक मत चेंज करो, तो यहां ओ एच यहां एच भेज दिया आपने, तो यहां पर क्या हो जाएगा फ्लोरीन और यहां क्या हो जाएगा सी एच थ्री। अब प्रायोरिटी ऑर्डर, नंबर 1 2 3 4, तो बताओ 1 2 3 कैसा हाथ चल रहा है आपका, मेरा तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, आपका वही चल रहा है, तो आंसर क्या होगा, ये एस होगा, तो ये भी एस होगा क्योंकि ये इसका आइडेंटिकल है। तो समझ में आ गया आपको, टफ और वेरी टफ, इजी इजी हो गया, अरे यार इजी हो गया ये तो, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं।
आप हो ही इतने इंटेलिजेंट, कुछ भी समझ लेते हो। तो समझ में आ गया बात पक्का? तो दूसरा मेथड करते हैं, जब ये इजी है तो और इजी बनाना अब हमारी जरूरत है। हटा दूं मैं ये, तो सेकंड मेथड क्या होगा? सेकंड मेथड होगा, सेकंड मेथड एसएल मेथड। इसको बनाने के लिए स्टेप फर्स्ट, ये सबसे अच्छी बात है, एक से ज्यादा कायरल हो या कितने हो कोई दिक्कत नहीं होती। उसमें दिक्कत आ जाती है सॉलिड वेज में, कायरलिटी एक से ज्यादा हो तो आपको दिक्कत आएगी, लेकिन ये हर जगह वैलिड हो जाएगा। पहली चीज, स्टेप फर्स्ट कन्वर्ट इन फिशर प्रोजेक्शन, यानी फिशर में देना आपके लिए जरूरी है। कन्वर्ट इन फिशर, फिशर प्रोजेक्शन। तो कहीं पे भी हो, आपको न्यूमान दे, सॉलिड डैश दे, 100 हॉर्स दे, आपने किस में कन्वर्ट करना है? फिशर में। तो आपने फिशर में कन्वर्ट कर दिया, पहली चीज कन्वर्ट करके रख दिया। बोलो ये समझ में आ रही है बात? दूसरा स्टेप मेंशन करना है आपको, मेंशन ऑल ग्रुप, मेंशन द प्रायोरिटी ऑफ ऑल ग्रुप ऑफ अटैच टू कार्बन, अटैच्ड टू कायरल कार्बन। तो आपने सारे ग्रुप की मेंशन कर दिया, हाँ ये कौन सा है। सही है, थर्ड पॉइंट, स्टेप फर्स्ट हो गया, स्टेप सेकंड हो गया, स्टेप थर्ड। जब आपका कायरल हो चुका है, डिसाइड हो चुका है, उसके सारे ग्रुप मेंशन हो चुके हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड को देखो आप। तो यहां हमारे पास दो पॉइंट को फिर पकड़ना है। इफ फर्स्ट प्रायोरिटी टू सेकेंड, इफ मूविंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इफ मूविंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप ग्रुप, आर मूविंग प्रोवाइड, आर मूविंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप आर क्लॉकवाइज। तो हमारे लिए क्लॉकवाइज के लिए क्या आंसर आंसर होता है? आर, अदरवाइज एस, यानी इफ मूविंग 1 2 3 प्रायोरिटी ग्रुप आर क्लॉकवाइज, देन आंसर इज आर, अदरवाइज आंसर इज एस। ये हमने निकाल लिया, लेकिन उसके बाद भी टर्म्स एंड कंडीशन, स्टेप फोर, यानी यहां पर टीसी लिखा हुआ है। टीसी का मतलब टर्म्स कंडीशंस। टर्म कंडीशन ये कहता है इन सब के बाद ए फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट ऑन कौन सा पोजीशन आ रहा है? एक्सियल पोजीशन, प्रेजेंट ऑन एक्सियल पोजीशन, यानी कि हॉरिजेंटल बोले या वर्टिकल बोले हम, ये वाली हमारे लिए क्या हो जाएगी? वर्टिकल। पक्का? प्रेजेंट ऑन वर्टिकल, वर्टिकल पोजीशंस, देन कोई दिक्कत नहीं है, देन आर को आर ही आंसर आएगा और एस एस ही आएगा। इसी के अंदर एंड इफ
आप समझ ही होंगे, फोर्थ प्रायोरिटी, फोर प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट ऑन हॉरिजेंटल पोजीशंस, हॉरिजेंटल पोजीशंस, तो क्या करेंगे, हॉरिजेंटल पोजीशंस, हॉरिजेंटल पोजीशंस होगा तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, हॉरिजेंटल पोजीशन है, समझना बात को, तो हमारे लिए क्या होगा, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट ऑन हॉरिजेंटल देन आर हमारे लिए क्या हो जाएगा, एस, और एस क्या हो जाएगा, आर, इज दैट क्लियर, तो आर एस हो जाएगा और एस क्या हो जाएगा, आर, यानी हमारे आंसर चेंज हो जाएंगे, कब, जब वो हॉरिजेंटल पोजीशन पे। तो मैंने इसके लिए क्या बोला, एक लाइन बोल दी कि खड़ा आदमी, अगर खड़ा का मतलब फोर्थ ग्रुप खड़ा हुआ है तो सत्य बोलेगा, और लेटा आदमी क्या होगा, झूठ बोलेगा, वर्टिकल का मतलब, सही है, तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल, हॉरिजेंटल का मतलब लेटा हुआ है और वर्टिकल का मतलब खड़ा हुआ है, तो खड़ा आदमी सत्य बोलेगा और लेटा आदमी झूठ बोलेगा, झूठ बोलेगा तो जो आंसर आ रहा था उसको अलग कर देना, तो इसको बोल सकते हो खड़ा आदमी, लिखो ये पूरा, सत्य बोलता है जबकि लेटा आदमी झूठ बोल रहा है, झूठ बोलता है, तो ये आपके पास फोर्थ है। प्रायोरिटी किससे डिसाइड होगी, सीआईपी रूल से, ऐसा मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, तो आपने प्रायोरिटी ऑर्डर से आप आराम से करेंगे, कोई ज्यादा टफ नहीं है आरएस नेमिंग, कुछ एक एग्जांपल पे प्रैक्टिस मैं करा रहा हूं आपको, यहां तक समझ लिया, लिख लिया आपने, तो एसएल मेथड, यानी मेरा नाम सुनील लखोटिया है, उस नाम पे मैंने ये बनाया, तो आप कैसे देखेंगे, ये बहुत सही होगा, नहीं तो आईयूपीएससी क्या कहती है कि हर एक को किस में कन्वर्ट करो, वेज डैश में, जो कि हमारे लिए लेंथी हो जाता, अब हमारे लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें फिशर का डायरेक्ट फिशर में ही आंसर मिल जाएगा, और किसी भी चीज़ को फिशर में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू अदर में जाना, तो इसलिए ये बहुत सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई इस तरह से है सी एच ओ ओ एच सी एच थ्री बी आर, तो बताओ इनमें सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी है, बी आर की, क्योंकि बी आर का एटोमिक ज़्यादा मास ज़्यादा है, फिर एटॉमिक नंबर ओएच का ज्यादा है, फिर इन दोनों में कार्बन टाई हो गया, लेकिन कार्बन के बाद यहां कौन आ रहा है, ऑक्सीजन, तो थर्ड नंबर पे ये, फोर्थ नंबर पे ये, सही है। अब आप मेरे को बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड पे जा रहे हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही जाएगा, फोर्थ को भूल जाओ कुछ देर के लिए की है, तो बताओ आपका हाथ कैसा जा रहा है, जल्दी से बोलो, क्लॉकवाइज, आंसर क्या होगा, एस, अभी तक तो क्लॉकवाइज है, आंसर आर होगा, लेकिन फोर्थ ग्रुप कहां है, लेटा हुआ है, तो सत्य बोलेगा या झूठ, फोर्थ झूठ बोलेगा, फोर्थ ग्रुप कहां पर है, वर्टिकल या हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल, तो आप आर को क्या कर दोगे, एस, तो इसका आंसर क्या है, एस, सही है। आप खुद देख लो, वन टू थ्री एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज जा रहा है, हाँ क्लॉकवाइज जा रहा है, आर होगा, लेकिन फोर्थ ग्रुप ने इसका आंसर क्या कर दिया, एस, तो सीधा इसका आंसर क्या होगा, एस। एक और एग्जांपल आपके लिए, मैंने दो कायरल दे दिए सी एच ओ ओ एच सी एच थ्री सी एच थ्री ओ एच सी एच ओ, क्या इसकी नेमिंग दी जा सकती है, हाँ। आप ये बताओ इस कायरल के लिए, मान लीजिए ये आपका कायरल है, ये आपका क्या है, कायरल है, इसके ऊपर कितने ग्रुप हैं, चार, हर एक पे चार ही होते हैं, तो प्रायोरिटी ऑर्डर दे दीजिए, ओ को फर्स्ट, ये कार्बन टाई हो गया, लेकिन इस कार्बन पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, इस कार्बन पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से, नंबर टू ऊपर जाएगा, नंबर ये पूरा एक ग्रुप होगा, ध्यान रखना, नंबर थ्री नीचे जाएगा और फोर्थ यहां जाएगा, कुछ कुछ समझ में आया, इसके लिए ये पूरा एक ग्रुप है, इस कायरल के लिए,
जरूरी नहीं है उसके ऊपर कितने ग्रुप हैं, बस ये पूरा एक ग्रुप है। तो वन, क्योंकि ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैच एटम का एटॉमिक मास ज्यादा है, कार्बन 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 तीनों तरफ टाई, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड हो गया। अब आप हाथ घुमाइए, 1 2 3, कैसा जाएगा आपका हाथ? 1 2 3, जल्दी से बताइए कैसा जाएगा इस जगह आंसर। रुकिए, 1 2 3, हाथ कैसा जा रहा है आपका? एंटी क्लॉकवाइज यानी एस, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? आर। यहां टर्म्स एंड कंडीशंस लगती है, ये फोर्थ कहां पर है? फोर्थ हॉरिजेंटल पे। झूठ बोलेगा, लेटा आदमी झूठ बोलता है, मैंने यही तो बताया, लेटा आदमी झूठ बोलेगा। और अब नीचे वाले के लिए आंसर क्या होगा, सुनना मेरी बात। आप ये देखो कि सिमेट्री है, बोलो या सुनो। तो जब भी इस तरह की सिमेट्री है, ओ के नीचे ओ एच, के नीचे ओ एच, सी एच थ्री के नीचे सी एच, तो आपका एक मंत्र और लगता है कि ऊपर वाला अगर आंसर आर है तो नीचे वाला एस होगा। अगर किसी को काटने पे बराबर कट जाए ऊपर नीचे, तो ऊपर वाला अगर आर है तो नीचे वाला एस होगा। ये किसने कहा? एस एल लो ने। तो ये आंसर डायरेक्ट कितना होगा? एस। तो ऑब्वियसली बीच वाला क्या होगा? आर बाय एस एल रूल। आप ऐसे ही अप्लाई करो डायरेक्ट एस एल रूल। क्या लगता है? अगर कोई कंपाउंड बिल्कुल बीच में से सिमेट्रिकल से ऐसे कट जाए आधा आधा 50, तो ऊपर वाला आर है तो नीचे वाला एस, ऊपर वाला ऐसे तो नीचे वाला आर, और नहीं कट रहा होता तो दोनों आर होते या दोनों एस होते। कितना इजी है, चाहो तो निकाल के देख लो, विश्वास मत करो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो करें, तो कैसे करेंगे इसके ऊपर प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होगी, चलो आप ही बताओ। ओ एच की नंबर 1 2, ऊपर जाएगा 3, तो 1 2 3 कैसा हाथ चल रहा है? क्लॉकवाइज आर, वही फोर्थ ग्राफ, झूठ बोलेगा लेटा हुआ आदमी, आंसर क्या हो जाएगा? एस। मैं तो पहले ही कह रहा था विश्वास कर लो, तुम ही नहीं कर रहे थे। ठीक है, तो ये लिख लो, वो पॉइंट जो लास्ट में था वो जरूर लिखना, कि अगर कोई कंपाउंड पूरी तरह से क्रॉस हो रहा है हाफ, और सिमेट्री आ रही है, तो ऊपर वाला आर होता है तो नीचे वाला एस, ऊपर वाला एस होता है तो नीचे वाला आर, लिखेंगे ये बकायदा, भूल जाएंगे नहीं तो बाद में। और अगर नहीं हो रहा है, उल्टा घूम गया, तो जो ऊपर वाला है वही आंसर होगा। अपनी लैंग्वेज में डाल दो, लिखें इसको। देखिए, इसका आईयूपीएसी नेम देना है हमारे को, एक एग्जाम्पल लिया हमने, ठीक है। तो हमारे को ये पता चल गया कि ये कायरल है, तो पहले तो क्या करो, आप दोनों वाई को सीधा बना लो, इजी वे में, बिना दिमाग लगाए वाला अप्रोच तो यही है। फिर ये तो पहले ही सीधा था बेचारा, ये फ्लोरीन को कहाँ लाओगे आप? नीचे। और ये सीएल उस तरफ जाएगा 180 पे, और ये बीआर उस तरफ जाएगा। अब इसका फिशर बना लो, ये फिशर बन गया, सही है। तो फिशर बनेगा तो ये फ्लोरीन ऊपर जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा? और यहां क्या हो जाएगा? सी एच ओ। फिर हमेशा यही होता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, और फ्लोरीन ऊपर है, ओ एच, ओ एच के साथ कौन आएगा? सी एच थ्री, सी एल, सी एल के साथ कौन आएगा? बी आर। लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, सही है ना? फ्लोरीन के साथ गलत हो रहा है यार, फ्लोरीन के साथ सी एल ऊपर जाएगा और बी आर इस तरफ आएगा, पक्का। और यहाँ क्या आएगा? सी एच थ्री, और यहाँ क्या आएगा? ओ एच। अब सही है या नहीं है? अब नंबरिंग करते हैं, कार्बन की नंबरिंग चेन, आईयूपीएसी पहले वाली तो करें अपन। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? फंक्शन ग्रुप से, फंक्शन ग्रुप वाले कार्बन को 1 2 3 4 नंबरिंग हो गई, बोलो यस और नो, क्लियर है? तो अब आप मुझे बताओ, सेकंड वाला कार्बन जो है उसको कैसे लिखोगे आप? ये 2 आर होगा या एस होगा? तो पहले निकाल लेते हैं आर एस, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है इसके लिए? नंबर 1 ओ एच, नंबर 2 सी एच ओ, क्योंकि वो भले ही कार्बन है। अच्छा, वो कार्बन की ज्यादा प्रायोरिटी होगी नीचे वाले की, सी सी टाई, लेकिन उस कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो ऊपर वाले की प्रायोरिटी सेकेंड थर्ड। इस पे ऑक्सीजन है, डबल बॉन्डेड तब काम आता है जब ऊपर भी ऑक्सीजन होता,
तो 2 3, 1 2 3, हाथ कैसा घूम रहा है जल्दी बोलो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। लेटा आदमी झूठ बोलेगा तो क्या हो जाएगा? आर। तो 2 पे क्या आंसर आएगा? आर। 2 पे आर। हमने एक और चीज कही थी कि अगर सिमेट्री रूल हो लगेगा क्या यहां पर? नहीं। तो अब यहां पर निकालना पड़ेगा 3 के लिए। 3 के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी कौन है जल्दी से बोलो? इसके लिए नंबर 1 पे कौन है? ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये। तो 1 2 3, 4 को छोड़ते हुए जाना पड़ता है हमेशा। 1 2 3, कैसा हाथ चल रहा है जल्दी बोलो? क्लॉकवाइज। क्या क्लॉकवाइज जा रहा है? 1 2 3, बताओ आंसर कैसा, हाथ कैसा चल रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। फिर और लेटा हुआ आदमी क्या होगा? लेटा है, खड़ा है? खड़ा है। खड़ा आदमी तो सत्य बोलता है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 पे क्या बोलोगे आप कॉमा लगा के? 3 पे ये अगर आपके पास ऐसे तो ये भी ऐसी होगा, 2R 3S। ये तो आप पहले लिख दो। इज दैट क्लियर? कहीं कोई दिक्कत? एक बार और समझाना है, समझाना है या नहीं समझाना बोलो जल्दी। हाँ, सब नीचे वाला या ऊपर वाला या दोनों? दोनों। देखो इसके लिए प्रायोरिटी दी, कौन सी प्रायोरिटी जाएगी? OH नंबर 1, क्योंकि भिड़ते ही ऑक्सीजन आ गया। फिर इन दोनों में 2 ऊपर वाला, क्योंकि उसके साथ कार्बन कार्बन टाई, तीनों में कार्बन टाई, लेकिन यहां पर ब्रोमीन आ रहा है, यहां पर ऑक्सीजन आ रहा है, यहां हाइड्रोजन आ रहा है। तो ऊपर वाला 2, नीचे वाला 3। 1 2 3, कैसे हाथ घूम रहा है मेरा? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन चौथा आदमी लेटा हुआ है, झूठ बोलेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? आर। ऊपर वाले पे देखते हैं, 1 ब्रोमीन है, 2 क्लोरीन है और 3 फ्लोरीन है। फोर्थ वाला ये है, इसको भूल जाओ, फोर्थ वाले को। 1 2 3, कैसे जा रहा है आपका आंसर? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा? एस। और चौथा ग्रुप नीचे की तरफ है, लेटा हुआ है, खड़ा हुआ है सॉरी, तो सत्य बोलेगा, तो ये तो 3S। ये तो हो गया आपका काम पहला वाला। अब आगे जो यूपीएससी है वो आपको देनी है रूल्स के अकॉर्डिंग। तो कैसे करेंगे नंबरिंग? कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन में आप सबको उनके अल्फाबेटिक ऑर्डर पे दोगे, तो नंबरिंग कैसे होगी? 1 2 3, तो क्या बोलोगे? 3 ब्रोमो, फिर 3 क्लोरो सी पहले, फिर 3 मिथाइल, एम पहले आता है या एच आता है पहले जल्दी से बोलो? अल्फाबेटिक एम एच और एफ, एफ पहले आता है, फ्लोरो। तो 3 फ्लोरो, फिर हाइड्रोक्सी का एच आएगा, एच, एच पहले या एम पहले? एच। तो 3 फ्लोरो, तो क्या हो जाएगा? 2। अब 2 पे चालू हो गए, 2 हाइड्रोक्सी, फिर 2 पे मिथाइल, यहां तक तो हो गया काम। कितने कार्बन है? 3 प्रोपेनेल, प्रोपेनेल। हाँ या ना बोलो, कुछ कुछ समझ में आया? अच्छे से काम चल रहा है आपका? तो ये इसका आईयूपीएसी नेम हुआ, इतना टफ लेवल का आपने कर लिया है। लिखे इसको, देखिए हम एक क्लास टेस्ट करने वाले हैं, इसके अंदर हमें ये देखना है, क्या देखना है? आरएस नेमिंग देनी है, और मुझे फिशर से बताना बहुत आसान लगता है आरएस नेमिंग करना। तो जितने भी अगर सॉलिड वेज है उनको फिशर में कन्वर्ट कर लो, सबसे अच्छा तरीका तो ये। तो ये फिशर में मैंने कन्वर्ट करा, इसको सी एच ओ ऊपर जाएगा, एच नीचे जाएगा, और आपके सी एच थ्री बाहर है, लेफ्ट ओ एच 10। सी एच ओ ऊपर, सी एच थ्री नीचे, यहां से देखना पड़ेगा ओ एच आपके लिए क्या होगा? राइट, एच यहां। आ गई बात समझ में? इस तरफ से इन दोनों के भी फिशर बना लेते हैं अपन। ये वाला एटम ही हमारे लिए कायरल है, और इसके लिए हमें देखना है हम कहां से देखेंगे? ऊपर से। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन कहां आएगा? यहां और इस तरफ। यहां क्या होगा? इस तरफ से चलेगा। अब इस तरफ ओ एच लेफ्ट में, एच राइट में,
सही है। यहां पर हमने आंखों से इस तरफ देखा, इस तरफ से हमने आंख रखी, तो हमारे को डबल बॉन्ड क्या दिखाई देगा? ऊपर, नीचे हमारे को सिंगल बॉन्ड दिखाई देगा। और OH हमारे लिए क्या है? एक तरह से जब हम ये देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, तो OH मुझे कहाँ दिखाई देगा? लेफ्ट। तो OH मुझे लेफ्ट दिखाई देगा और CH2OH राइट में। आपको भी ऐसे ही दिखाई दे रहा है? आप ऐसे दिख रहे हो, ध्यान से सुनना, ऐसे देखना पड़ेगा आपको इसके लिए, नीचे से। तो OH आपको बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, यानी कि लेफ्ट में। आ रही है बात समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये तो नॉर्मल फीचर प्रोजेक्शन कन्वर्जन में तो आपको वैसे ही महारत आई है। अब देखिए, नंबरिंग कर लेते हैं CIP रूल से। सबसे पहले कौन होता है? एटॉमिक नंबर देखना पड़ता है अपन को। तो नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, किसी को दिक्कत? बाद में देखेंगे, पहले नंबरिंग सभी की कर लेते हैं। यहां पर नंबर वन कौन होगा? नंबर वन CL, एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। COOH और CHO में COOH पक्का, 3, 4। यहां पर नंबर वन ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन। नंबर यहां पर नंबर वन OH, नंबर नहीं, फ्लोरीन, फिर OH, फिर CHO, फिर CH3। एटॉमिक नंबर देखना होता है फर्स्ट से बिटते ही। नंबर वन ओ, ये तो ये आ जाएगा नंबर वन बिटते ही। और फिर उसके बाद नंबर टू पे OH, नंबर थ्री पे ये एल्काइल है, और नंबर फाइव पे, नंबर फोर पे ये। इसको देखते हैं सबसे पहले कौन होगा? नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर। यहां कौन होगा? नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर। आ गया, CIP रूल लगाना आपको आता है, पहले ही मैं बहुत प्रैक्टिस करा चुका हूं। नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर। 1 मिनट, नंबर वन, नंबर टू डबल बॉन्ड है, लेकिन यहां पर भिड़ती क्या आ जाएगा? कार्बन के बाद ऑक्सीजन आ जाएगा। तो 1, 2, 3, 4, सही है, बिल्कुल आ गई बात समझ में। क्योंकि भिड़ते ही ऑक्सीजन आ रहा है एक कार्बन के बाद, जबकि यहां कार्बन के बाद क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड कार्बन। तो डबल बॉन्ड कार्बन से ऑक्सीजन ज्यादा है, वेटेज रखेगा। ठीक है, ये CIP रूल आपके पास हो गया। अब आगे अगर हम यहां पर देखते हैं रोटेशंस, तो 1, 2, 3 ऐसे ही जाना है, बीच में 4, 1, 2, 3। हाथ कैसा घूम रहा है मेरा? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? लेकिन आंसर क्या आएगा? एस का आर, क्योंकि फोर्थ ग्रुप लेटा हुआ है हॉरिजेंटल पोजीशन पे, झूठ बोलेगा। यहां 1, 2, 3, 4 को भूल जाओ बस, 1, 2, 3 पहले तो भूलना पड़ता है, 1, 2, 3 घुमाते वक्त भूलना पड़ता है, लेकिन क्लॉकवाइज है आर का एस। तो ये यहां पर थर्ड नंबर पे 1, 2, 3 एंटी क्लॉक रहेगा और एस का एस ही रहेगा। यहां 1, 2, 3 एंटी क्लॉकवाइज है, एस का आंसर एस ही रहेगा, क्योंकि फोर्थ हॉरिजेंटल पोजीशन में। फोर्थ के बाद 5, 1, 2, 3 एस का आंसर एस ही रहेगा, क्योंकि फोर्थ ग्रुप वर्टिकल पे है। यहां 1, 2, 3, 1, 2, 3 एस बनेगा, लेकिन फोर्थ ग्रुप हॉरिजेंटल है तो आर आ जाएगा आंसर। यहां 1, 2, 3 एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है हाथ मेरा, लेकिन एस का आंसर एस ही रहेगा। सही है, तो ये मेरा कौन सा हुआ? 8 नंबर। बच रहा है 7th। 1, 2, 3 आंसर कैसे घूमेगा? 1, 2, 3 आर, लेकिन आर का कैसा हो जाएगा? एस। क्या आपको समझ में आ गया? वेरी गुड।